आपको बता दें पाकिस्तान के विदेश मंत्री की ओर से पहले धमकी भी दी जा चुकी है हिंदुस्तान को, और अब उनकी ओर से कहा जा रहा है कि जल थल नभ से भारत कर सकता है हमला। हिंदुस्तान हर तरह की कार्रवाई के लिए तैयार है। पाकिस्तान की आवाम से उसकी लड़ाई नहीं है, लेकिन लड़ाई उस आतंक से है जिसका वो शिकार बनता है, और इसी वजह से इस बार माना जा रहा है पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर चुका है और हिसाब बराबर किया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए आज तक। पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हालात नहीं बल्कि इमरजेंसी लग चुकी है। बहावलपुर, कराची और साथ में खैबर पख्तूनवा, ये वो इलाके हैं जहां पे जैश ए मोहम्मद के टेरर हेडक्वार्टर्स, टेररिस्ट वाटर विंग और साथ में टेररिस्ट अल्फा 3 कंट्रोल रूम सेंटर है, और एयर स्ट्राइक करने का मकसद इन आतंकियों के ठिकानों को खत्म करने का था, और ये अभी खत्म नहीं हुआ है। पायलट वापस आएगा ये बिल्कुल तय है, लेकिन ये भी तय है कि भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना जैश के अड्डों को, टेररिस्ट आउटफिट्स के अड्डों को जरूर तबाह करने के लिए पूरी रणनीति के साथ अब उतरेगी, ताकि पाकिस्तान जो बार बार एक अग्रेशन दिखाता आया है, एस्केलेशन करता है, मिलिट्री एरियाज को टारगेट करने की कोशिश की, उसको मुंह की खानी पड़े दोबारा से। झूठ को बेनकाब किया, पाकिस्तान को बैकफुट पर जाना पड़ेगा, ये रणनीति बिल्कुल तय है। बैकफुट पर, और पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि अब इमरजेंसी लागू हो गई है, इसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो बाज आने को तैयार नहीं, और ऐसे में लगातार हमारी बड़ी कवरेज जारी है। मनीष बने रहेगा हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, बड़ी खबर पर हमारी सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं कि किस तरह से पाकिस्तान एक के बाद एक लगातार झूठ बोल रहा है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के नौशेरा के जो लाम सेक्टर पड़ता है उसके अपोजिट साइड की तस्वीरें हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि F-16 प्लेन जो है वो नीचे धराशाही होकर गिरा है, जिसे जो इंडियन एयरक्राफ्ट जो कल सुबह लगभग 10:10 के आसपास में, ये उसी की तस्वीरें हैं जो हमें सूत्रों के हवाले से अभी पिक्चर्स मिली हैं, और इसमें साफ तौर पर पाकिस्तानी आर्मी और उनके कमांडोज जो हैं उन्हें देख सकते हैं कि किस तरह से वो अपने F-16 पायलट जो प्लेन है उसका ये सीधे तौर पर निरीक्षण कर रहे हैं।